एक दिन एक धनी व्यक्ति यीशु से मिला और पूछा, हे भला गुरु, अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब यीशु ने उत्तर दिया कि मुझे तू भला गुरु क्यों कहता है? कोई भी भला नहीं, केवल एक, और वह परमेश्वर है। इस संदेश से हमें यह पता लगता है कि कोई भी भला नहीं, ना आप, ना मैं, ना धरती का कोई मनुष्य। हम सब ने पाप किया है, हम बचपन से ही पाप करते आए हैं, परंतु परमेश्वर जो अनुग्रह का धनी है, वह हम सब के पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। एकमात्र कार्य जो हमें करना है वह यह है कि हम अपने पाप को मान लें और पछतापी हृदय के साथ अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लें। और प्रभु कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पापी स्वभाव नफरत, जलन, झूठ और बुरी बातों को लाता है। परमेश्वर कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें अपनी विश्राम, शांति, आनंद दूंगा। इसलिए आज आइए हम सब मसीह के पास आए, अपने पापी स्वभाव को परमेश्वर को समर्पित करें। और परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें नया मन दूंगा जो तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करने की इच्छा देगा। मसीह के पास आइए, परमेश्वर आशीष दे आपको।